गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप एकदम बढ़िया होंगे। आज का ये जो टॉपिक है वो है कि इमिग्रेशन के बारे में, मतलब यूक्रेन में इमिग्रेशन। हालांकि हर जगह एक ही टाइप का इमिग्रेशन होता है, मतलब जितने भी पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, बट जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे को डिफिकल्टीज आई और कैसे मैंने उसको फेस किया और कैसे मैंने क्लियर किया, वो सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उस दिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, मैंने वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ। तो देखो, जब मैं एयरपोर्ट से, मतलब जब फ्लाइट से जब मैं बाहर आ गया और मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस ले रहा था, तब एक चीज हुआ कि जितने भी इंडियंस थे जो मेरे साथ, हमारे इंडियंस ऑलमोस्ट 20 लोग मेरे फ्लाइट में थे, तो वो सभी को उन्होंने एक सेपरेट वे में बोल दिया कि जो भी इंडियंस है या फिर फ्रॉम अफ्रीका या फिर फ्रॉम यू नो ऐसी कंट्रीज से जो कि ज्यादा डेवलप नहीं है, यू कैन से फ्रॉम एशिया मैक्सिमम, ठीक है, स्पेशली इंडियंस, बांग्लादेश, नेपाली लोगों को साइड में रख दिया। फिर हमें पता नहीं था क्या वो, मतलब पासपोर्ट देखा पहले, भाई हाँ इंडियंस है तो इनको साइड कर दिया, नेपाली है साइड कर दिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन्स इनको साइड कर दिया। उसके बाद जो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, मतलब लोग है जो यूरोपियन पासपोर्ट है जिसके पास, उनको एंट्रेंस मिल रही थी, इजी एंट्री मिल रही थी, मतलब कहने में, लेकिन हमें नहीं मिला, हमें साइड में रखा, बोला कि आपका जो है एक स्पेशल जो है इंटरव्यू होगा आपका और आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने सोचा यार किस बात का इंटरव्यू, चलो इंटरव्यू होगा तो हुआ 5 मिनट 10 मिनट, बट वो हुआ 45 मिनट्स का। हुआ ये कि सबसे पहला हमें साइड में बिठाया गया, उसके बाद एक एक करके, पहले एक छोटा सा, मतलब छोटा ऑफिसर था, पोस्ट उनका छोटा था, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, मेरे से पूछा सबसे पहले कि भाई तुम किस लिए आए हो, मैंने बोला आई केम हियर फॉर ट्रैवलिंग। फिर उसने पूछा तुम्हें इंग्लिश अच्छी तरह आती है, मैंने बोला हाँ आती है। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया मेरे को भरने को, मैंने फॉर्म भरा, उसमें अपना डिटेल भरा, उसके बाद अपने पास रखा और उन्होंने बोला आपको जाके साइड में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे करके 20 लोगों से उन्होंने जो है फॉर्म भरवा दिया और उन सभी ने साइड में बैठी। फिर एक एक करके जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए फॉर्म के साथ हम गए थे, एक छोटा सा फॉर्म था जिसमें अपना डिटेल भरना था, हम कहाँ से आए और क्या नाम है हमारा, पासपोर्ट नंबर, वो तो हम गए। मेरे को बुलाया गया, मैं गया वहाँ बैठ गया, बैठने के बाद मेरे को क्वेश्चन पूछा गया, 45 मिनट्स का जो है इंटरव्यू हुआ था, काफी क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक चीजें भी और एडवांस, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे थे और ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो पर्सनल क्वेश्चन तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपका नाम क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि आपका, आप क्या करते हो आपके, तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा खुद का रेस्टोरेंट बिजनेस है, फलाना ढलकाना। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप व्हाई यू केम हियर, तो मैंने उसका रीजन बता दिया, टूरिस्ट पे आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, अगर टूरिस्ट पे आया तो आपके पास इन्विटेशन है, याद रखना गाइस ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अगर आप एक, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री पड़ी हुई है, अगर आप यूक्रेन से पहले कोई कंट्री जा चुके हो, ट्रैवल कर चुके हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी ज्यादा। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे, यानी बिल्कुल कोई कहीं भी नहीं घूमे और आप जा आ रहे हो यूक्रेन, तो आपको भैया इनविटेशन जरूरी है, जरूरी ही है, नहीं है, नहीं लाओगे तो हो सकता है कि आपको डिपोर्ट मार दे। तो आप पूरी बात सुने, तो मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री था, मैं थाईलैंड घूम चुका था, मेरे स्टैंप लग चुका था, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं यहाँ से इससे पहले थाईलैंड घूम चुका हूँ। तो उन्होंने बोला दिखाओ, तो मैंने पासपोर्ट खोल के दिखाया। उन्होंने बोला फिर अच्छा कितने दिन रुकोगे, मैंने बताया इतना दिन। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आपका कोई ट्रैवल, मतलब प्लान्स है तो प्लान्स बताइए, क्या कहाँ कहाँ घूमोगे, कितने दिन रुकोगे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कोई ट्रैवल प्लान्स है, आपके पास कहाँ कहाँ घूमोगे, आप बताइए मेरे को। तो भाई बताने से ज्यादा आप एक चीज अच्छा करना कि आप एक लिस्ट बना लेना, प्रिंट आउट कर लेना कि भैया आपकी कौन सी बस से आप जाओगे, कहाँ रुकोगे और क्या क्या घूमना चाहते हो, एक पूरा सा जो है बंडल मंगा लेना, ठीक है, जब से आप एंट्री लेना चाहते हो, जिस तारीख को आप लैंड करोगे तब से लेके आखिरी डेट तक का सब, होस्टल बुकिंग, बस या ट्रेन बुकिंग, ठीक है, इन्विटेशन आपके साथ होना चाहिए अगर आप फ्रेश पासपोर्ट आपका है। और उसके बाद एक और चीज, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ट्रैवल इंश्योरेंस से भी रिलेटेड पूछते हैं कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं। उसके बाद ये भी पूछेंगे क्वेश्चन फॉर द कंफर्मेशन कि भैया आप कहीं किसी और दोस्त से मिलने तो नहीं जा रहे हो या फिर किसी के पास रहने तो नहीं जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे आपको ट्रिक करेंगे, दिमाग को ट्रिगर करेंगे कि भैया आप क्या, आपका कोई इंटेंशन तो नहीं है कि आप यूरोप में घुसना चाहते हो। वो लोग ये भी पूछेंगे कि आपको यूरोप पसंद है कि नहीं, आप यूरोप में जाना चाहते हो इन फ्यूचर ट्रैवलिंग की नहीं, वो सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आप फोर्स हो गए, अगर आपका इंटेंशन है कि आप यूरोप जाना चाहते हो तो वो आपके मुंह से निकलवा देंगे। इसलिए अगर आपका इंटेंशन सिर्फ यूक्रेन है तो ही जाइए, अगर आपका इंटेंशन है यूरोप तो यूरोप जाइए, लेकिन यूक्रेन के थ्रू यूरोप जाने के चक्कर में आप डिपोर्ट हो सकते हो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है उनका कि भाई इंडियंस लोग जो है डोंकी वीजा पे, मतलब डोंकी तरीके से, वीजा तो नहीं बोल सकते, डोंकी तरीके से यूक्रेन से पोलैंड जाते हैं और यूरोप में घुस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ही ये इंटरव्यू होता है एक्चुअली, ताकि वो जीनियन ट्रैवलर्स को अंदर जाने दें या जीनियन
जो भी इस कंट्री में एज अ बिजनेस एज अ टूरिस्ट घुसना चाहते हैं उनको अलाउ करें और जो फ्रॉड लोग हैं उनको हटा दें। तो अब इसमें मेरे साथ ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद ये भी पूछा गया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या इंडिया में, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं और तुम कितना कमाते हो, ये भी पूछा जाएगा ताकि उनको पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसके पास सफिशियंट फंड है, पर्टिकुलर इतने डेज अगर रुकना चाहते हैं तो उतना दिन रुक सकता है कि नहीं। उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड का फोटो भी लिया था, मैं एक चीज बता दूंगा, उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड का फोटो भी लिया था, यहाँ तक कि ये भी बोला कि आप नेट बैंकिंग खोल के दिखाइए आपके पास कितना पैसा है, हालांकि मेरा इंटरनेट नहीं चला था तो मैंने मना कर दिया, और उन्होंने बोला कैश कितना है, तो मेरे पास $200 था तो मैंने उसकी डाल दी फोटो। तो ये सब कुछ जो 45 मिनट का जो इंटरव्यू हुआ उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया जो मैं बोल रहा हूँ ताकि मेरे लिप सिंक मेरे बोलने का तरीका मैं घबराहट तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका शरीर कांपेगा और उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप यहाँ पर टूरिस्ट पे नहीं आए, यहाँ पर कुछ और करने आए हो। तो वो चीज़ पकड़ने के लिए ही ये सारा इंटरव्यू होता है। तो मेनली जो आपको फोकस करना है इंटरव्यू में वो है आपको पूरा प्लानिंग के साथ आपका इन्फॉर्मेशन लेके आना है, जो भी आप क्या क्या करना चाहते हो, प्लस आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट, और रिटर्न टिकट भाई जरूर होना चाहिए। अगर रिटर्न टिकट नहीं होगा तो अगर आपके पास बाकी सब कुछ भी हो ना तो भी आपका चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रिपोर्ट होने के, क्योंकि उनको लगता है अगर रिटर्न टिकट ही नहीं है तो बंदा क्या गारंटी कि वापस जाएगा अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारा चीज मेरे से पूछा गया और उसके बाद मेरे को साफ साफ बोला ठीक है आप बाहर वेट करें, आपका इन्फॉर्मेशन चेक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप रियली जेन्युइन ट्रैवलर हो, मेरे से एक और बार पूछा गया, तो मैंने बोला यस, तो उन्होंने बोला आप कोई प्रूफ दिखा सकते हो कुछ और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ कि आप रिटर्न जा सकते हो इंडिया, या फिर आप ऐसा कोई प्रूफ दिखाओ जिससे हम विश्वास करें कि आप रियली ट्रैवलर हो, बिकॉज अगर आप इंडिया थाईलैंड ट्रैवल किया इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ट्रैवलर हो। तो फिर मैंने बोला मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिखाया उनको, तो उनको ट्रस्ट हुआ हाँ भैया ये बंदा ट्रैवलर ही है। और दूसरा मैंने अपना इंडियन जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसका भी जो है अपने साथ कॉपी लेके आया था, तो वो मैंने उसको दिखा दिया, बट जैसे ही दिखा उन्होंने बोला ठीक है यू कैन सिट एंड वी विल इन्फॉर्म यू। तो मैं ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर और वेट किया, यानी 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ, 1 आवर वेट किया, 15 मिनट इधर उधर लगे, तो 2 आवर्स के बाद मेरे को बुलाया गया दूसरे रूम, वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आपका वीज़ा लग गया है बट आप प्लीज़ प्रॉमिस करें कि आप पोलैंड नहीं जाओगे, ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। तो फिर मैंने उनको साफ साफ बोला कि नो आई वोंट जस्ट ट्रैवल इन यूक्रेन एंड देन गो बैक टू माई इंडिया, तो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस करवाया, ये फनी है बट रियली यही हुआ मेरे साथ। तो फिर मैं बोला और उन्होंने मेरे को स्टैंप लगाया मेरे पासपोर्ट और मेरे से एक और छोटा सा फॉर्म भरवा दिया कि भैया मेरा नाम और ये, और फिर मैं इमिग्रेशन क्लियर करके वहाँ से बाहर आया। ये था भाई पूरा इमिग्रेशन में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन सभी चीज़ों में जो मेन फैक्टर होता है वो है कॉन्फिडेंस और आपका प्लानिंग। अगर आपका इंटेंशन है सिर्फ यूक्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो आप बेझिझक कॉन्फिडेंट रहें, आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड होना चाहिए, ठीक है, जितने दिन आप जा रहे हो एटलीस्ट $50 पर डे के हिसाब से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है ये चीज़ याद रखना, तो इन्विटेशन ज़रूर ले जाए। इन्विटेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे को भी बोल सकते हो, $120 में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना जो ईमेल और टेलीग्राम का जो यूज़र नेम है वो डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो इन्विटेशन मेट्स भी ले सकते हो, नहीं तो आप कोई वेबसाइट से भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ऐसा करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो इन्विटेशन इज़ नॉट मस्ट, बट आपकी जो ट्रैवल जर्नी का जो डिटेल है वो पूरा शो होना चाहिए जब से आप एंट्री ले रहे हो तब जब एग्जिट ले रहे हो। तो बस आज के बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ क्लेरिफाई करने के लिए मैं ज़रूर रहूँगा। याद रखना फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल आंसर कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि मेरे साथ जो 20 आए थे उनमें से ऑलमोस्ट अराउंड 12 से 15 लोग डिपोर्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ, अब वो क्या कारण है मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, हो सकता है कॉन्फिडेंट, हो सकता है रिटर्न टिकट ना हो सकता है कुछ और रीजन हो, बट 5 या 6 लोग जो है एंट्री मिली जिसमें मैं भी था और बाकी लोग को डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये यूक्रेन में होता है, अभी भी होता है और स्ट्रिक्ट रूल है। तो बस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, अगर आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोज़ के थ्रू मिलते रहेंगे, तब तक के लिए।